हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है फ्रेंड, फटे हुए दूध का कलाकंद बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, कितना टेस्टी, कितना मुलायम कलाकंद मिठाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है। यह है हमारा दानेदार कलाकंद मिठाई। पीसेज में कितनी अच्छी कटी है और कितना अच्छा बना है। फटे हुए दूध से 1 लीटर दूध में 1 किलो कलाकंद हमारा बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है हमारा कलाकंद मिठाई। एक पीस हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कितना मुलायम हमारा कलाकंद मिठाई बना है और कितना अच्छा, कितना टेस्टी बना है। फटे हुए दूध से दानेदार कलाकंद मिठाई हमारी बनके तैयार हो चुकी है। कितनी टेस्टी बनी है मिठाई हमारी। चलिए फ्रेंड, हम आप लोगों के बीच अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है फटे दूध का कलाकंद मिठाई बनाएंगे हम। यह है हमारा 1 लीटर दूध। दूध हमारा फट गया था। इसी फटे हुए दूध से हम बनाएंगे कलाकंद स्वादिष्ट मिठाई। जब भी दूध फट जाए उसको फेंकिए मत, स्वादिष्ट मिठाई घर पे ही बना लीजिए। बहुत ही अच्छी मिठाई और टेस्टी बनती है। सबसे पहले हम फटे हुए दूध का पानी पूरा छान लेंगे, एक छन्नी लेके इसको अच्छे से छान लेंगे। इसमें पानी डाल के धुल लेंगे, तीखापन ना रहे हमारे फटे हुए दूध में, स्वादिष्ट मिठाई हमारी अच्छी बन जाए। फटे हुए दूध में हम पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको अच्छे से धुल लेंगे। इस पानी को भी हम छान लेंगे अच्छे से छन्नी में, इसको भी छान लेंगे। इस छन्नी में जो फटा दूध है इसको भी पानी डाल के इसको भी धुल लेंगे अच्छे से हम। सबसे पहले हम गैस को ऑन किए हैं, कढ़ाई इसमें रख दिए हैं और इसमें हम 2 कप दूध लिए हैं। ये हमारा 2 कप दूध, ये उबला हुआ दूध है, इसको कढ़ाई में डाल के रख देंगे। जब 1 कप दूध हमारा हो जाएगा तो इसमें हम अपना डालेंगे फटा हुआ दूध। इसका हम बनाएंगे कलाकंद स्वादिष्ट मिठाई। दूध हमारा उबलने लगा है, कढ़ाई में हम रख दिए हैं। अब ये जब हमारा 1 कप दूध रह जाएगा तो इसमें हम अपना डाल देंगे पनीर। पनीर बोलो या फटा हुआ दूध बोलो, जो भी आपको अच्छा लगे। कलाकंद की मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। इसको हम हल्के हल्के हाथों से मैश कर लेंगे, ज़्यादा मैश हमें नहीं करना है। कलाकंद हमारा दानेदार ही रहता है। आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ये हमारा 1 कटोरी चीनी, ये हमारा बादाम 2-4 लेके उसको भी मैंने काट लिया है, इलायची 2 लेके उसको भी कूट लिया है। आप ड्राई फ्रूट जितना डालना चाहे डाल सकते हैं, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाना चाहे तो ज़्यादा डालिए, कम मीठा खाना चाहे तो कम। हम तो 1 कटोरी ही डालेंगे। दूध पक के हमारा 2 कप से 1 कप हो गया है। इसमें हम अपना फटा हुआ दूध डालेंगे, इसको भी डाल के मिक्स करेंगे। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो हम रोज डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। फ्रेंड, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि कैसे मैंने अपनी रेसिपी बनाई है। हम अपने कलाकंद मिठाई में डालेंगे 1 कटोरी चीनी, इसको भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे से हमें मिक्स करना है। बहुत टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट कलाकंद मिठाई हमारी बनेगी। अब अपने कलाकंद मिठाई में डालेंगे इलायची, इसको भी डाल के मिक्स कर देंगे। इलायची डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दानेदार हमारा मिठाई बनके तैयार है कलाकंद।
कैसे पता करें फ्रेंड कि कलाकंद मिठाई हमारा बनने के लिए परफेक्ट होगा? थोड़ा सा निकाल लीजिए और उसका ऐसे से बॉल बनाइए। जब आपका बॉल बन जाए इस तरीके से, तो समझ लो कि परफेक्ट हमारी कलाकंद मिठाई बनने के लिए परफेक्ट है। एक हम मिठाई का डिब्बा लिए हैं, आप चाहो तो प्लेट में या ट्रे में जैसे आपको सही लगे उसमें आप रख सकते हैं अपना कलाकंद मिठाई। और इसमें हमारा ये पॉलीथीन है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, अच्छे से इसमें हमारा बन भी जाएगा कलाकंद मिठाई। इस तरीके से करछी हो आपके पास में तो ऐसे इसको हल्के हल्के हाथ से दबाइए कि अच्छे से हमारा ये सेट हो जाए, पीसेज में ये अच्छे से कटेगा। ऐसे आप सेट करोगे तो बहुत परफेक्ट हमारा कलाकंद बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड। अब इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ये हमारा ड्राई फ्रूट्स। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हो फ्रेंड तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप भी हमारे नए तरीके से कलाकंद की मिठाई बनाइए, खाइए और कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि कैसे रही आज की हमारी रेसिपी। हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए। थैंक यू। इसको हम एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद में तो हम पीसेज में काटेंगे। एक घंटा हो चुका है, इसको अब हम फ्रिज से निकाल लिए हैं। इसको हम पीसेज में काटेंगे, एक चाकू से ऐसे काट लेंगे चौकोर चौकोर, आपको जैसे सही लगे उससे में आप काट सकते हैं। अब हम अपने नए रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।